दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, और उसकी अगली कहानी है जिम कॉर्बेट की हंटिंग स्टोरी ठाक मैन ईटर। 4 महीने के बाद जब जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन लद्दा वैली को छोड़ के चले गए चुका मैन ईटर को मारने के बाद, उसके बाद कोट और किंदरी गांव के पास में एक लड़की को टाइगर ने मार दिया। अब जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में कोट किंदरी गांव लिखा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग गांव हैं, एक रिज के दो तरफ पड़ते हैं। ये गांव ठाक गांव से करीब 3 मील की दूरी पर है, और उसके कुछ दिन बाद ही सेम गांव के पास में शायद उसी टाइगर ने एक और विक्टिम को मार डाला। और जब ये खबर कॉर्बेट तक पहुंची तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फौरन वहां के लिए निकलेंगे। अब जिम कॉर्बेट का जो सबसे आसान तरीका था ठाक जाने के लिए, वो हल्द्वानी होते हुए टनकपुर होते हुए ठाक पहुंचना। इस टाइम पर फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैल रहा था, और ये वो टाइम था सितंबर का महीना जिस टाइम पर जंगल के अंदर रहना सुरक्षित नहीं था। तो उन्होंने 100 मील की वॉक वाया अल्मोड़ा करते हुए ठाक पहुंचने का निश्चय किया। अल्मोड़ा, फिर मोरनोला, उसके बाद वो पहुंचे शेरिंग रोड, और उसके बाद पहुंचे कोट किंदरी। यहां पर पीटर बर्न बोलते हैं कि मैं शेरिंग रोड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया, जहां तक मुझे लगता है कि ये सामान वगैरह पहुंचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड बनाई थी और किसी डिग्निटी वाले पर्सन के नाम पर इसका नाम रखा था शेरिंग रोड। अब जो दूसरे विक्टिम को टाइगर ने मारा था, उस टाइम पर जिम कॉर्बेट कोट किंदरी जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे। आइबर्टसन को एक खबर मिली, उन्होंने जिम कॉर्बेट तक पहुंचाई और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जिम कॉर्बेट 100 माइल पैदल जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब आइबर्टसन ने चलने के लिए बोला तो कॉर्बेट को मालूम था कि उनकी वाइफ जीन भी जाएंगी, उनके लिए 100 माइल की वॉक बहुत कठिन होता, तो एक आसान रास्ता अपनाने के लिए वो तैयार हो गए। वाया हल्द्वानी होते हुए चौर गलिया तक तो गाड़ी से जाना था, उसके बाद नंधौर रिवर के अपर बेसिन पे चलना था, उसके बाद लद्दा रिवर के पास, और उसके बाद सेम गांव। आइबर्टसन का ग्रुप नैनीताल से चल पड़ा 12 अक्टूबर को, और जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि वैसे कई बार मॉनसून अक्टूबर तक रह जाता है, लेकिन इस बार बारिश खत्म हो रही थी। जिम कॉर्बेट आइबर्टसन के ग्रुप को 13 अक्टूबर को मिले, और उसके बाद उन्होंने 5 मील के पैदल यात्रा साथ में की। 5वीं रात को दुर्गा पीपल के किनारे उन्होंने कैंपिंग करी। अब यहां पर पीटर बर्न बोलते हैं कि नक्शों में पीपल कोट नाम का एक गांव है, लगता है ये वही गांव है जिसे तब दुर्गा पीपल कहा जाता था। फिर लद्दा वैली के पास चलते हुए कॉर्बेट, आइबर्टसन और टीम चालती, चंचरी, ऊपरा कोट, सेरा गांव होते हुए सेम पहुंच गए। तब 10वां दिन था। अब टनकपुर के तहसीलदार को बोला गया कि 4 भैंस के पड़े अरेंज करो, क्योंकि जिस तरह चुका मैन ईटर को पकड़ने के लिए भैंसों का चारा इस्तेमाल किया गया था, यानी कि भैंसों को एज ए बेट यूज किया था, यहां पर भी वही करना था। तहसीलदार ने भैंसे भेजी, एक भैंस रास्ते में ही मर गई, दूसरी तब पहुंची जिम कॉर्बेट उनकी टीम सेम गांव पहुंचे। अब मैकडोनल्ड जो कि DFO थे और पुलिस ऑफिसर गिल वाडेल, मैकडोनल्ड तो चुका मैन ईटर के टाइम पे कॉर्बेट से मिल चुके थे, इन्होंने भैंस का चारा यानी कि बेट टाइगर के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचा, लेकिन असफल रहे। अब जब कॉर्बेट, आइबर्टसन और उनकी टीम वहां पर पहुंची तो मैकडोनल्ड के पास जो सिंगल पड़ा था, जिसको कि उन्होंने बांधा था लेकिन टाइगर ने मारा नहीं था, उन्होंने अपने भैंस का पड़ा कॉर्बेट को दे दिया। तो एक पड़ा क्योंकि आते वक्त मर गया था, तो 3 बचे थे। मैकडोनल्ड का पड़ा मिलने से कॉर्बेट के पास फिर से 4 पड़े हो गए, और उन्होंने उसे डिफरेंट लोकेशन में बंधवा दिया। अब जैसे जिम कॉर्बेट की आदत थी कि वो आते ही काम पर लग जाते थे, यहां पर भी कॉर्बेट पहुंचे और मैन ईटर के पग मार्क ढूंढने के लिए चल पड़े, और उन्हें बहुत सारे पग मार्क मिल गए आते हुए जाते हुए लद्दा नदी के किनारे। अब ये पग मार्क थे एक अडल्ट टाइग्रेस के, और कॉर्बेट समझ गए यही है मैन ईटर। अब कॉर्बेट को लगा
कि ये चुका मैन ईटर के टाइम पर उसके साथ में इंसानों को तो नहीं खाती थी, जो इसको आदत लग गई और ये अब मैन ईटर बन गई। क्योंकि एक बार चुका मैन ईटर के टाइम पर हुआ था, मैन ईटर टाइगर था, लेकिन मैन ईटर का मारा हुआ शिकार खाने के लिए एक टाइग्रेस और उसके दो बच्चे आ गए थे। अब ये ग्रुप लद्या रिवर के किनारे कैंपिंग कर रहा था। 3 दिन बीत चुके थे और ठाक गांव से एक आदमियों का ग्रुप उनसे मिलने आया। उस ग्रुप का हेड था तिवारी, जो कि गांव के प्रधान का भाई था, और उसने आके बताया कि उनके गांव से एक व्यक्ति गायब है। अब जब टाइग्रेस वहां से चली गई तो कॉर्बेट उस चट्टान से नीचे उतर आए और रॉबर्टसन और तिवारी की हेल्प से उस आदमी की लाश ढूंढ ली जिसे टाइग्रेस ने मारा था। अब कॉर्बेट ने रॉबर्टसन के साथ प्लान बनाया कि यहां पर एक मचान बनाया जाए, लेकिन मचान बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए था। तो रॉबर्टसन ने कहा कि वो तिवारी को लेके जाते हैं और सामान लेके आते हैं। जिम कॉर्बेट ने कहा वो वहीं बैठेंगे। जब रॉबर्टसन और तिवारी चले गए तो कॉर्बेट बैठे रहे ये सोच के कि क्या पता टाइग्रेस वापस आए। टाइग्रेस वापस आई, कॉर्बेट को बैठे हुए देखा, चुपचाप निकल गई। रॉबर्टसन तिवारी के साथ वापस आ गए और उसके बाद पेड़ के ऊपर उन्होंने मचान बनाया। रॉबर्टसन ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उसके बावजूद किसी भी काम को करने की उनमें शर्म नहीं थी। एक पेड़ पे चढ़ के मचान बांधना अच्छे अच्छों का बहुत ही मुश्किल भरा काम है, और रॉबर्टसन ने वो कर दिखाया। इसके बाद एक और काम उन्होंने अनोखा कर दिखाया, वो उस गांव वाले की लाश जिसको कि टाइग्रेस ने मारा था उसको उठा के एक ऐसी जगह पेड़ के तने से बांधने का काम जो कि शायद ही कोई कर पाए। कोई भी बेट जो टाइगर के लिए इस्तेमाल की जा रही हो उसको बांधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइगर अचानक से आता है, उसे उठा के गायब हो सकता है। इसलिए अगर उसको बांधा ना जाए तो बेट बांधने या रखने का कोई फायदा नहीं। पीटर बर्न बोलते हैं कि टाइगर कितनी तेजी के साथ भाग सकता है या मूव कर सकता है, इसके लिए एक कहानी उन्हें याद आ रही है। एक अमेरिकन मिशनरी था जिससे कि पीटर दिल्ली में मिले थे। उसके पास .30-30 राइफल थी और जिसके बारे में वो सबको कहानी सुनाता था जो भी सुन सके, और वो कहानी ये थी कि वो गिलहरी की आंख को निशाना मार सकता है इस बंदूक से 100 गज की दूरी से। और वो मिशनरी बोलता था कि वो एक्सपर्ट हंटर है, क्योंकि उसने हंटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। कुछ दिन बाद वो एक लेपर्ड मारेगा, उसके कुछ दिन बाद टाइगर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ रखा है। लेपर्ड को मारने के लिए उसने साउथ दिल्ली की जगह चुनी और अपनी गिलहरी मारने वाली बंदूक को ले गया, ड्राइव करके गया और एक बकरी खरीदने की कोशिश की एक बेट के रूप में बांधने के लिए। लेकिन गांव वालों को उसका आइडिया पसंद नहीं आया, उन्होंने बकरी बेचने से मना कर दिया। अब अगले हफ्ते भी जब वो गया, उसको किसी ने अपनी बकरी नहीं बेची, तो उसके साथ वाले मिशनरी दोस्तों ने कहा कि तुम बकरी की जगह कुत्ता बांधो। अब वो मिशनरी फिर गांव वालों के पास गया कि मुझे कुत्ता ही बेच दो, लेकिन किसी गांव वाले ने कुत्ता भी नहीं बेचा। अब जब कुत्ता नहीं मिला तो उसने डिसाइड किया फ्रिट्जी को बांधने का, और फ्रिट्जी था उसकी वाइफ का प्यारा कुत्ता, क्योंकि उसकी वाइफ उस टाइम पर आउट ऑफ टाउन थी। अब उस मिशनरी ने एक गांव वाले की मदद से मचान बना लिया और नीचे कुत्ते को बांध दिया। अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपनी .30-30 लेके, ट्रिगर के ऊपर थी उंगली, इंतजार कर रहा था लेपर्ड का। गांव वालों को बोल दिया आप लोग जाइए। अब वो इंतजार कर रहा था तभी आ गए मिस्टर धब्बेदार, यानी कि लेपर्ड। अब वो महाशय बोले कि उन्हें कुछ नहीं दिखा, दिखा तो एक काला पीला सा कुछ हवा का झोंका, और नीचे देखा तो मिस्टर फ्रिट्जी जो कि उनके वाइफ के प्यारे कुत्ते थे वो चले गए थे स्वर्ग की ओर। अब ये महाशय अपने घर लौटे, अब पता नहीं इन्होंने अपनी वाइफ को कैसे बताया कि फ्रिट्जी कहाँ गया, और इनकी वाइफ ने इनको क्या किया, ये बात रिकॉर्ड में नहीं है। अब जब मचान बन गया तो जिम कॉर्बेट अपने मचान पर चढ़ गए और रॉबर्टसन और तिवारी वहां से चले गए।
अब क्योंकि जिम कॉर्बेट और आइबर्सन दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस थे, फिर भी जिम कॉर्बेट ने आइबर्सन को जरूर बोला होगा कि जब तुम थक जा रहे हो सावधान रहना, क्योंकि पाला पड़ा है मैन ईटर से। और जरूर आइबर्सन ने सावधानी बरती होगी, क्योंकि नीचे पहुंचने के बाद आइबर्सन अपनी वाइफ जीन के साथ चुका गांव की तरफ गए, और जब अगले दिन निशान देखे गए तो मालूम चला टाइग्रस ने आइबर्सन का पीछा किया था। अब यहां पे पीटर बोलते हैं कि अगर लद्या रिवर का टाइम जब पीटर ने विजिट किया और जब जिम कॉर्बेट का टाइम था एक ही जैसा था, तो यहाँ की जो झाड़ियां हैं वो परफेक्ट हैं टाइगर के छिपने के लिए या किसी का पीछा करने के लिए। 12-12 फीट ऊंची झाड़ियां हैं, आपस में इस तरीके से गुथी हुई हैं कि नीचे धूप भी नहीं जाती, लेकिन उसके नीचे अंदर कई सारी 2-2, 3-3 फीट की टनल्स हैं जिनमें कोई जानवर आराम से मूव कर सकता है। दोस्तों, ये टनल्स इसलिए बन जाती हैं कि जंगली सुअर, डियर, इस तरह के जानवर जब झाड़ियों से निकलते हैं इनका एक ही पाथवे होता है। हाथियों का भी होता है, लेकिन लद्या रिवर जहाँ की पीटर बर्न बात कर रहे हैं वहाँ पर हाथी नहीं जाते, लेकिन जहाँ हाथी जाते हैं वहाँ तो चौड़े चौड़े रास्ते बनते हैं। जहाँ छोटे जानवर जाते हैं वहाँ झाड़ियों के अंदर अंदर सुरंग बन जाती है। अपनी जंगल ट्रैकिंग के दौरान ऐसी मैंने बहुत सारी सुरंग देखी है, शायद कुछ सुरंग तो मैंने कुछ वीडियो में बताई भी है। और इन सुरंग के नीचे मिट्टी होती है जिसमें कोई जानवर अगर चलेगा तो उसके चलने की आवाज नहीं होगी। कॉर्बेट मचान पर पूरी रात टाइगर्स का इंतजार करते रहे। दो साही यानी कि पोर्क्यूपाइन आई और उसके बाद आया एक भालू। अब ये स्लॉथ बेयर था कि ब्लैक बेयर था नहीं मालूम, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है हिमालयन बेयर, वो दोनों में से कोई भी हो सकता था। भालू उस लाश के आसपास गया, थोड़ी देर घूमा, और जब उसे लगा कि यहाँ तो टाइगर की बदबू आ रही है तो वो वहाँ से निकल लिया। सुबह हो गई, आइबर्सन गांव वालों के साथ आए, एक हॉट ड्रिंक लेके आए कॉर्बेट के लिए, और जाहिर सी बात है कि हॉट ड्रिंक और कुछ नहीं होगा, जिम कॉर्बेट की फेवरेट चाय होगी। दिन था 27 अक्टूबर का, सारे नीचे लौट गए, गांव वालों ने उस गांव वाले की बॉडी कैरी करी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया नदी के किनारे। अगले 2-3 दिनों में जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स घटनाक्रम हुआ उसने कॉर्बेट और आइबर्सन को बिजी रखा। दो डार्क रनर्स यानी कि हरकारे जो कि डार्क लेके आते थे पैदल पैदल, उनको स्टॉक किया था, उनका पीछा किया था टाइग्रस ने, लेकिन जिम कॉर्बेट जब बंदूक लेके गए तो उन्हें नजर नहीं आई बड़ी बिल्ली। 29 अक्टूबर को एक भैंस टाइगर ने मार दी। भैंस एक बड़ा शिकार होता है, लेकिन उसके बावजूद टाइगर उसे कैरी करके ले गया। कॉर्बेट को इस बात का पक्का नहीं मालूम था कि जो भैंस मारी है मैन ईटर ने ही मारी है या दूसरे टाइगर ने, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि इस भैंस के पास मचान बनाकर मैं बैठूंगा। एक छोटा सा पेड़ था उस पर बना लिया उन्होंने मचान। दो पेड़ों के बीच में रस्सियों का एक ताना बाना बुन दिया था और उसी को बोला था मचान। जिम कॉर्बेट उन रस्सियों पर 14 घंटे बैठे रहे, लेकिन किसी को कंप्लेंट नहीं की कि ये रस्सियां बहुत ही तकलीफदायक है। लेकिन टाइग्रेस नहीं आई, ऐसा इनको लगता था कि शायद वो टाइग्रेस पास की झाड़ियों में छिपके बैठी रही होगी, उसने मचान बनते हुए भी देखा होगा और उसने जिम कॉर्बेट को उस पर चढ़ते भी देखा होगा, और इसीलिए वो सामने नहीं आई क्योंकि उसे पता था उसकी मौत का सामान तैयार हो रहा है। अब कुछ दिन बाद एक पड़ा टाइग्रस ने मार दिया, कॉर्बेट गए बैठे, कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्योंकि आसपास कोई अच्छा पेड़ नहीं था तो कॉर्बेट रात को नहीं बैठे और टाइग्रस रात को ही आ गई और उस पड़े को ले गई, यानी वो कॉर्बेट को बता रही थी तू डाल डाल मैं पात पात। अब इस रात जो टाइग्रस पड़े को ले गई थी 1000 फीट ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गई, साल के पेड़ों के बीच में उसने छिपाया। अगले दिन कॉर्बेट आइबर्सन को लेकर निकले ढूंढने, घसीटने के निशान दिख रहे थे इसलिए ढूंढना मुश्किल नहीं था। जब कॉर्बेट पड़े के नजदीक पहुंचे टाइग्रस ज्यादा दूर नहीं थी, उसने गुर्रा के बता दिया देखो मगर दूर से, पास आओगे तो खतरा है। अब इस बात से कॉर्बेट और आइबर्सन को उम्मीद जगी, दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए, इंतजार करने लगे कि टाइग्रस आए, लेकिन वो टाइग्रस बहुत चालाक थी नहीं आई।
अब सीन में कुछ चेंजेस आए। आइबर्टसन को उनकी ड्यूटी ने बुला लिया और आइबर्टसन और उनकी वाइफ अपने लावो लश्कर के साथ वापस लौट गए। आइबर्टसन को जाना था आसकोट, तो वो सावधानी रखने की हिदायत देके कॉर्बेट को छोड़ के चले गए। अब कॉर्बेट के पास दो आदमी थे और कुछ सामान उठाने वाले। अब क्योंकि कैंप में बहुत ही कम आदमी थे, तो कॉर्बेट को उम्मीद जगी कि क्या पता टाइग्रेस कैंप में आए खाने की उम्मीद में। तो कॉर्बेट और उनके आदमियों ने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करी आग जलाने के लिए। पीटर बर्न बोलते हैं कि जब उन्होंने वहां पर कैंपिंग की, उन्होंने भी लकड़ी इकट्ठा की और वहां की लकड़ी बहुत अच्छी जलती है। इतनी लकड़ी इकट्ठा कर ली कॉर्बेट ने कि रात भर जलती रहे। लकड़ी जलाने का पर्पज यह नहीं था कि टाइग्रेस वहां पर ना आए, पर्पज यह था कि अगर टाइग्रेस आए तो कॉर्बेट को दिख जाए। अगले कई दिन तक कॉर्बेट लकड़ी जलाते थे, कैंप में रुकते थे और टाइग्रेस खेल रही थी उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई बंदूक जो कि टाइगर को मारने के लिए कैपेबल नहीं है, इनफ नहीं है उसकी गोली, उससे टाइगर को गोली मार दी जाती है या फिर कैपेबल बंदूक से निशाना गलत जगह पर मार दिया जाता है, तो टाइगर उस बंदूक की गोली से घायल होने के बावजूद बच जाता है। और टाइगर बहुत ही चालाक जानवर होता है, उसे सब कुछ याद रहता है। अगर टाइगर उसी इलाके में रहता है तो गोली खाने के बाद टाइगर उस इलाके में फिर आता है, पूरे इलाके का जायजा लेता है। वो मचान को भी पहचान जाता है कि ये वो चीज है जिससे मेरे ऊपर गोली चली थी। और उसके बाद आप कितने भी मचान उस इलाके में बनाइए, टाइगर वहां पर नहीं आएगा। जिम कॉर्बेट की बुक में ही एक बार जिक्र है कि जिस पेड़ पर से उसको फायर किया था शिकारी ने, टाइगर जब जाता था तो उस पेड़ के बहुत लंबा राउंड लेके जाता था, उस पेड़ के नीचे से नहीं निकलता था, क्योंकि उसे मालूम था यहां पर फायर होता है और फायर को मारने वाला एक कायर होता है। और जिस टाइगर पे हमला हो चुका होता है, घायल हो चुका होता है, एक तरह से उसे आप बोल सकते हैं एजुकेटेड टाइगर या पढ़ा लिखा टाइगर या ग्रेजुएट टाइगर, जिसको सब पता है। लेकिन यहां पर जो मुकाबला था एक समझदार टाइगरस और एक समझदार शिकारी के बीच में, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जहां जिम कॉर्बेट उसका बाल तक नहीं देख पा रहे थे, वहीं टाइगरस चाहकर भी कॉर्बेट पे हमला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कॉर्बेट एक एक पक्षी, एक एक जानवर की आवाज पहचानते थे और उन्हें मालूम होता था कब कहां पर खतरा है। अब 6 नवंबर तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। 7 नवंबर को या तो जिम कॉर्बेट को कोई काम आ गया या वो थक गए और वो काला डूंगी और नैनीताल के लिए चल पड़े। तो 7 नवंबर को जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो नैनीताल चले जाएंगे। जब उनका सामान ढोने वाले उनका सामान पैक कर रहे थे, तभी गांव वालों का एक दल जिम कॉर्बेट के पास आया। गांव वालों ने कहा हमें अकेला छोड़ के मत जाइए। जिम कॉर्बेट ने कहा तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं वापस आ जाऊंगा। जिम कॉर्बेट ने ट्रेन पकड़ी, पहुंच गए अपने घर और 9 नवंबर को ही टाइगर्स ने फिर मार दिया एक आदमी। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले